नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेन्यू के अंदर लगने वाले साइनजेस के। आप लोगों ने देखा होगा वेज वाला साइन लगा रहता है एक ग्रीन कलर का डॉट, नॉनवेज पे लगा रहता है एक रेड वाला डॉट, स्पाइसी पे आप लोगों ने मिर्ची छपी होगी। इसके अलावा भी कई सारे साइनजेस होते हैं जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, कई नई सारे जो साइंस होते हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। दूसरा, मैं इनके बारे में बताऊँ उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भैया मेन्यू क्या होता है, तभी हम इनको समझ पाएंगे। और दूसरा, एक मेन्यू का एक रेस्टोरेंट के अंदर और एक अच्छे मेन्यू के अंदर ये साइनजेस का होना क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जी, मेन्यू क्या होता है? मेन्यू आप बोल सकते हैं एक पीस ऑफ अ पेपर, एक पेपर का पीस है, या आजकल तो डिजिटल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं, ठीक है जी। एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके के अंदर जो हमारी डिश है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर जो मिल रखी है उसके अंदर लिखी होती हैं सारी की सारी डिशेज होती हैं। कहीं पर उनका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कहीं पर नहीं लिखा होता है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो उन डिशेज का नाम और उनके प्राइजेज वहाँ पर मैंशन होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए होता है ताकि कोई भी गेस्ट आ रहा है तो सिंपली हर किसी को बार बार ना बताना पड़े कि भाई मेरे मेन्यू में ये है, मेरे मेन्यू में वो है, या मेरे रेस्टोरेंट में ये खाना मिलता है, वो खाना मिलता है। सिंपली आप उनको एक कागज का टुकड़ा या फिर अपना मेन्यू पकड़ा देते हैं ताकि वो उसे अच्छे से समझ पाएं। पहले क्या होता था, कॉमन डिशेज हर जगह चलती थी, कहीं पे बटर चिकन है, कहीं पे दाल मखनी है, कोई ग्रिल चिकन दे रहा है, सैंडविच दे रहा है, बेसिक सब जगह सेम ही आइटम होते थे। बट इस समय अगर आप देखेंगे इतनी सारी नई क्यूजीन आ चुकी है, फ्यूजन मेन्यूज आ चुके हैं, इंडियन के अंदर चाइनीज मिक्स है, चाइनीज के अंदर थाई मिक्स है, और इसी प्रकार के मेन्यू और नए कॉन्सेप्ट्स पे काम चल रहा है। अलग अलग प्रकार के थीम के रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे जिनमें कि मेन्यू तो होता है, बट अब इससे कस्टमर को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जिस डिश को वो खा रहे हैं अब उनको कैसे पता चले एक्चुअली में वो डिश क्या है। कई सारी जगह मेन्यू के अंदर डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है, फोटो भी लगाई जाती है, बट डिस्क्रिप्शन एक या दो लाइन का होता है, इससे उस पर्टिकुलर डिश के अंदर क्या है वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम आते हैं, जो साइनजेस काम आते हैं, ठीक है, जिनको कि आप अपने हर एक डिश के आगे लगा सकते हैं और अपने जो गेस्ट को आप बता सकते हैं कि भाई इस डिश के अंदर ये है, और जिससे कि उस गेस्ट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। क्योंकि जब भी मैं कुछ नया खा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या 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 चीज़ है, हो सकता है जो आपका गेस्ट है उसे किसी प्रकार की एलर्जी है, ठीक है, वो कुछ खा के बीमार पड़ सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है, बट वो नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो साइनजेस के थ्रू हम उसको वो समझा सकते हैं, इवन जो आपका स्टाफ होता है वो भी इन साइनजेस के थ्रू समझ सकता है कि भाई उनकी पर्टिकुलर डिश के अंदर क्या है, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ क्योंकि कई सारे साइनजेस हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे भी यहाँ पे आते रहेंगे, आप लोगों को वो सारी की सारी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल देने वाला हूँ किस किस प्रकार के साइनजेस होते हैं। एक मेन्यू के नीचे अगर आप देखोगे वो सारे साइनजेस को आपको पहले मेंशन करना है, फिर उन पर्टिकुलर साइनजेस को आपको हर एक डिश के आगे लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कस्टमर अवेयर हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है वेजिटेरियन का और नॉन वेजिटेरियन का। वेजिटेरियन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक ग्रीन कलर की बिंदी से, ठीक है। वहीं एक नॉन वेज को हम लोग डिनोट करते हैं एक रेड कलर की बिंदी से या एक रेड कलर के पॉइंट से। तो ये दो कॉमन चीज़ होगी जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं या आपको भी ये यूज़ करना ही है, वेज और नॉन वेज में फ़र्क। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका वेगन। अब ये वेगन क्या है? वेगन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, इवन एक पर्टिकुलर वीडियो भी मेरे चैनल पर है वेगन के बारे में। अब वेगन वो व्यक्ति होते हैं जो कि वेजिटेरियन तो है, साथ साथ वो ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं जिसमें कि किसी भी तरीके से कोई एनिमल इन्वॉल्व हो। जैसे ही हमारा दूध हो गया, दूध से बनने वाले कोई भी प्रोडक्ट हो गया, हमारा हनी हो गया, ठीक है, या ऐसे कोई भी पदार्थ, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपकी ऐसी डिशेज हैं उनके आगे आपको जो वेगन का साइन लगा देना है। ये एक प्रकार के दो लीफ निकले होते हैं, यहाँ पे साइन आ रहा होगा, उस प्रकार के साइन को आप अपने पर्टिकुलर डिश के आगे लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक और है वो जो कि नेक्स्ट है आपका ग्लूटेन, ठीक है। इसमें आप अपने जो जैसे जो गेहूं के जो बाल होते हैं, बाल ही बोलते हैं एक्चुअली में उसको, वो लगा सकते हैं।
यहाँ पे जो भी आइटम या जो भी डिश है जिनके के अंदर ग्लूटेन यूज़ हो रहा है, खासकर जैसे कि हमारी जो रोटियाँ हो गई, ठीक है, वहाँ पे उस साइनेज को आपको लगाना है। तो अगर किसी भी कस्टमर को एलर्जी है ग्लूटेन से तो वो उस डिश को ऑर्डर नहीं करेगा, या बाकी जो कस्टमर है उनको भी अवेयरनेस मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट साइन आप लगा सकते हैं वो एक मिल्क की बोतल का लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा। अब इस मिल्क की बोतल का मतलब क्या होता है कि जिस भी डिश के आपने ये साइन लगाया है मिल्क की बोतल का, उन सब डिश के अंदर मिल्क का यूज़ है। जैसे कि मैं बोलूँगा पनीर हो गया मेरा, ठीक है, जैसे मेरा स्क्रम्बल्ड एग हो गया, ठीक है, या मैं इंडियन की कोई एक डिश बना रहा हूँ, मैं दाल मखनी बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं दूध यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली कोई दाल मखनी के अंदर दूध यूज़ नहीं करता है, बट कई सारे रेसिपीज़ में दूध भी यूज़ होता है, क्रीम भी यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के साइन का प्रयोग करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे एग का साइन, ठीक है। तो जिन भी डिशेस के अंदर एग यूज़ हो रही है वहाँ पे आपको इस एग का साइन लगाना है। अब कई सारी ऐसे डिशेस होती है जिसमें कि एग है विजिबल नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरी फ़िश फिंगर है, ठीक है, फ़िश फिंगर के अंदर एग विजिबल नहीं है। मैं बोलता हूँ कि एग भुजी है, स्क्रम्बल्ड एग है, वहाँ पे एग विजिबल है, बट फिश फिंगर के अंदर एग विजिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बैटर के अंदर। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर डिश के अंदर इसको लगा सकते हैं जहाँ पे इनविजिबल तौर पे या विजिबल तौर पे अंडे का यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है ग्रेन्स का, ठीक है। अब जिस प्रकार से हमने जो पहले ग्लूटेन वाला यूज़ किया था, सेम ये भी उसी प्रकार का साइनेज होता है, बट यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर में इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे ग्रेन हो गया, ठीक है, हमारा बाजरा हो गया, राई हो गया, रागी हो गया, जो भी आप ग्रेन यूज़ कर रहे हैं अपने मेन्यू के अंदर और जिस भी डिश के अंदर आपको यूज़ कर रहे हैं उसके आगे आपको इसके साइनेज लगा देने हैं, ठीक है। तो देखिए कितने बढ़िया बढ़िया तरीके के मैं आपको साइनेज बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा सोया, ठीक है, जो हमारी सोयाबीन होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा बीन कर्ड हो गया, ठीक है, आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि बीन कर्ड पनीर का ही एक रूप है, उन्हें पता नहीं होता ये बनता कहाँ से है, ये बनता हमारे सोया के जो सोयाबीन होता है उससे बनता है। तो सोयाबीन की जो भी डिश है या सोयाबीन ही यूज़ कर रहे हो या सोया की चाप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इस साइनेज का प्रयोग करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा साइन है वो है हमारे पोर्क का। इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म है, अलग अलग रिलीजन है जो कि एक पर्टिकुलर प्रकार के मीट को नहीं खाते हैं, चाहे, ठीक है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, यहाँ पे जहाँ पे भी आप लोग पोर्क यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसका पोर्क का साइनेज वहाँ पे आपको लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट साइनेज है वो है हमारे नट्स का। नट्स जैसे हमारे वॉलनट हो गए, आलमंड्स हो गए, कैसू नट हो गया, रेजन्स हो गया, इसी प्रकार के नट्स या इस तरीके के नट जिस भी डिशेज में आप यूज़ कर रहे हैं उस डिश के आगे आपको ये साइन लगाना है। और ये साइन लगाने से क्या होगा, जिन भी कस्टमर को एलर्जी है उनको पता चलेगा, या कोई पर्टिकुलर नट्स की कोई डिशेज ढूंढ रहे हैं वो इन डिश को खाएंगे या इन डिश को ऑर्डर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो है हमारे फिश का। तो जो भी फ़िश की डिशेज हैं आपको उस फिश की डिशेज के आगे ये साइन लगा देना है ताकि पर्टिकुलर बंदे को पता चले कि भैया ये फ़िश की डिश है। क्योंकि इंडिया में हम लोग पता लगा लेंगे भैया फ्राइड फ़िश है, ये फ़िश है, वो फ़िश है, बट जब कॉन्टिनेंट की बात आती है, फ्रेंच की बात आती है, तो वहाँ पे फ़िश के नाम को समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली हमारे कॉफ़ी शॉप या फ्रेंच रेस्टोरेंट या कॉन्टिनेंट रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे अगर आपने अपने मेन्यू के आगे ये फ़िश का साइन लगाया है तो कस्टमर अवेयर होगा और उसे पता चलेगा कि भैया मैं एक फ़िश को ऑर्डर कर रहा हूँ या मैं एक फ़िश की डिश को ऑर्डर कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो है हमारे चिकन का, ठीक है। चिकन की जो भी डिशेज होंगी वहाँ पे आपको उस चिकन के जो मार्क को लगा देना है, यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो गेस्ट है अवेयर हो जाएगा। इंडियन डिशेज में हम लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है, बट कभी कभी इंडियन में भी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, चिकन हम लोग लिख देते हैं, कहीं पर अगर आप मुर्ग लिख दोगे तब भी वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर डिश के आगे आपको चिकन का मार्क लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो है साइन मटन का, ठीक है। मटन बोल दीजिए, लैम बोल दीजिए, तो जो भी आपकी मटन की डिश है उसके आगे आपको मटन या लैम का साइन लगा देना है ताकि कस्टमर अवेयर हो जाएगा कि भैया ये जो डिश है उसके अंदर लैम है, ठीक है। कई सारी डिशेस के अंदर हमारे लैम होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरी लंदन मिक्स एंड ग्रिल, आजकल सिजलर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जहाँ पे हम लोग लैम चॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, बट पता नहीं चलता है लंदन मिक्स एंड ग्रिल लिखा रहता है, बट अगर आप लैम का साइन लगाओगे तो कस्टमर को पता चलेगा कि भैया इस डिश के अंदर लैम को यूज किया गया है।
इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो साइन है हमारे अल्कोहल का। तो ये इस प्रकार का साइन यहाँ पे आ रहा होगा। इस प्रकार का साइन आपको यूज करना है अपनी उन डिश के अंदर या उस डिश के आगे आपको लगाना है जहाँ पे भी आप अल्कोहल यूज कर रहे हो। अब कई सारी ऐसे इंडियन के डिशेस होती है जहाँ पे हम लोग मैरिनेशन में यूज करते हैं वाइन का, इवन कॉन्टिनेंटल के अंदर तो होता ही होता है, फ्रेंच कुजीन के अंदर होता ही होता है। तो जो भी डिश आप लोग यूज कर रहे हैं अगर वाइन, आपको ये लगाना है, क्योंकि इंडिया के अंदर कई सारी जैसे लेडीज होगी, बच्चे होगे, टीनेजर होगे, वाइन वगैरह नहीं पीते हैं, तो हमको उनको अवेयर करना है। क्योंकि कॉन्टिनेंटल की अगर आप डिशेस देखोगे ना तो मैक्सिमम उनके अंदर वाइन यूज होता है, क्योंकि वाइन के से ही सॉस बनता है या वाइन के साथ ही मैरिनेशन होता है। बट कस्टमर को अवेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना कस्टमर अवेयर होगा वो आपके रेस्टोरेंट के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे जो सबसे आखिर का साइन है वो है हमारे क्रिस्टेंस का। क्रिस्टेंस का मतलब है जिस प्रकार से हमारा सी फूड होता है उसको क्रिस्टेंस बोलते हैं। फिश का अलग होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसके अंदर आपके लॉबस्टर आ जाते हैं, ठीक है, श्रिम्प्स आ जाती हैं, प्राउन्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार के क्रिस्टेंस या इस प्रकार के डिशेस के आगे आपको ये साइन लगा देना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो हेल्थी का साइन होता है वो लगा सकते हैं, स्पाइसी का साइन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर डिशेस आपको लगता है कि भाई किड्स खा सकते हैं तो उसके आगे आप एक किड्स का भी साइन लगा सकते हैं। तो यही सारे के सारे साइनेजेस होते हैं जो कि आपको यूज़ करने होते हैं कहाँ पे, अपने मेन्यू के अंदर, ताकि आपका जो कस्टमर है प्रॉपरली बराबर अवेयर हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपके दिल में दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और हमें नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।